फ्रेंड्स, KPIT टेक्नोलॉजीज के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट जैसे ही आए कि तुरंत ही हमें इस शेयर में 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही। तो ओवरऑल हम यहां पर रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे और इसके अलावा आप सभी को पता है KPIT टेक्नोलॉजी नॉर्मली गाइडेंस देती है, तो बहुत ही शानदार गाइडेंस भी निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पिछले साल 540 करोड़ की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन थी, वो बढ़कर 651 करोड़ हुई। तो यहाँ पर मिलियंस में आंकड़े, तो मैं करोड़ में बोल रहा हूँ। तो साल दर साल हमें जितनी ग्रोथ की उम्मीद थी बिल्कुल उसी के मुताबिक यहाँ पर रेवेन्यू का फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले साल जो 52 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़कर 80 करोड़ रहा है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही फिगर अनुमान के आसपास ही हमको आते हुए दिखाई दे रहे। और यहाँ पर जो IT कंपनियों में मेन देखना होता है कि अगले साल कैसा बिजनेस रहेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंट करेंसी में कंपनी ऐसा अनुमान लगा रही है कि 18 से 21% हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी। तो ये बहुत ही शानदार ग्रोथ मानी जाती है और EBITDA मार्जिन 18 से 19% रहेगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स शानदार आउटलुक है और शानदार रिजल्ट है, इसी वजह से हमको इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि फ्रेंड्स अभी फिलहाल इसके वैल्यूएशन देखें तो मुझे तो अभी भी वैल्यूएशन महंगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि 850 रुपये के आसपास से ये शेयर गिरता हुआ अभी 550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो फिर भी यहाँ पर इस शेयर को अगर आपको बाय करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बदले टाटा एलेक्सी का शेयर अगर आपको निचले लेवल पर मिलता है तो वो बेहतर ऑप्शन होगा।